आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का यूनिट वन। अभी हम अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी बुक का नाम जैसे आपको पता है, क्या नाम है आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का? तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। आज उसका हम चैप्टर नंबर वन पढ़ेंगे, यूनिट वन, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति और विशेष क्षेत्र। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति इसके बारे में पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। मतलब कि इसकी शाखा तुलनात्मक राजनीति ना राजनीति विज्ञान की एक शाखा है, अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति में दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। ये एक देश के अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है। मतलब कि अगर दो देशों की बात हो तो उसमें दो देश की भी होती है और एक देश की भी तुलना हो सकती है। तुलनात्मक राजनीति में कितने भी देश हम ऐड कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है गाइस, वो देखिए। परिभाषा ये है एडवर्ड फ्रीमैन ने क्या लिखा है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाएं जो सरकारों की विधियों की तुलना है। अब हमारा लॉल्फ ब्राइवंटी ने क्या लिखा है, उनके अनुसार ये लिखा गया है, तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उसके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करती है। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें संस्था चल रही है उसको जो प्रभावित करती है। अब एस कर्टिन्स ने क्या लिखा है, इनके शब्दों में ये लिखा हुआ है, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितता समानता और असमानता को तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। मतलब कि नियमितता क्या है, समानता असमानता ये सब का किस में आती है, तुलनात्मक राजनीति में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की विशेषता क्या है इसकी। फर्स्ट पॉइंट, अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र वास्तविकता प्रतिशोधक के लिए खोजन जो इसके वैज्ञानिक रूप में घोतक है। मतलब कि विस्तारपूर्वक समझना ये सब। अब हमारा सेकंड, व्यवहारवादी और अनुभवमूलक प्रशिक्षण को अंगीकारी किया जाना, मतलब जो व्यवहार हो रहा है अनुभव हो रहा है वो सब। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्ण और वेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाना। फोर्थ है राजनीति का अन्य सामाजिक शस्त्रों से निकट संबंध, जो सामाजिक है उनका निकट संबंध होना। हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। प्रकृति क्या है, फर्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। अब विज्ञान कैसा है, ऊपर भी के नाम है बोला है कि वो एक विज्ञान है, लेकिन वो कैसे वो जानेंगे, क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। जो वैज्ञानिकों ने किया उसके द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण अंग है। जो तुलनात्मक और विश्लेषण है इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अध्ययन के परंपरागत उपागम जो वास्तव में वैज्ञानिक तरीके नाते का स्थान अब उनके नए उपागम व्यवहारवादी संरचनात्मक कार्यात्मक प्रकृति की विश्लेषण आदि ने ले लिया है। अब तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन पद प्राप्त कर लिया है। इस विषय पर अनेक मान्य और अधिकृत ग्रंथ हैं और विषय को ये स्थान दिलाने वाले अनेक विख्यात लेखक हैं। तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है, जिस प्रकार की राजनीति को एक कला कहा माना जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ। अब हाल ही में कैसे हुआ वो देखो, इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ। वास्तव में तुलनात्मक शासन विषय तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ और उस पर अनेक ग्रंथ व रचनाएं पूर्वग्रामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई। मतलब कि इसमें अनेक ग्रंथ भी बने और रचनाएं भी बनी, किंतु तुलनात्मक शासन जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही एक प्रमुख अंग है। पहले क्या था, तुलनात्मक शासन था, लेकिन अब तुलनात्मक राजनीति का एक वो अंग बन गया है। का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागम के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का ही एक विकास हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा प्रकृति का,
तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक। अब अति व्यापक कैसे है? जैसा कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों को, उनकी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिनिधि के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो भी उसमें अंग आते हैं उनको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलनाओं पर है। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट संकेत मिलता है, इस विषय के अध्ययन में अनेक प्रकार से राजनीतिक विभिन्न पहलुओं की तुलनाएं की जाती हैं। इस तुलनाएं का संबंध एक से अधिक राज्यों व सरकार अथवा राजनीतिक प्रतिनिधियों के किसी भी पहलू से हो सकता है, यथा शासन के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, शासन पर प्रभाव डालने वाले और उससे प्रभावित होने वाले, पर्यावरण, सामाजिक अधिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समूह व दल, जनसंचार के माध्यम, लोकमत, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया विधियां, वित्तीय विनिश्चय, निर्माण के करने वाले, अनेक प्रकार के राजनीतिक व्यवहार, निर्वाचन अभियान, मतदाता प्रदर्शन आदि। ये सब किस में आते हैं? तुलनात्मक राजनीति में आते हैं। ये जो सब हमने पढ़ाए ये किस में आते हैं? तुलनात्मक राजनीति में आते हैं। अब है हमारा पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण रहा है। ये हमेशा ना विवादपूर्ण रहा है तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मेल नहीं खाते। मतलब कि जो परंपरा हो जाती है, आधुनिक दृष्टिकोण हो जाता है, उसमें मेल नहीं खाते। पुराने राजनीतिक विचारधारा और अध्ययन केवल शासन और उसकी सरकार के ढांचे तक ही सीमित रहते हैं, जबकि आधुनिक विधान इसके क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना देते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र इस प्रकार है। अब किस प्रकार है ये हम बताएंगे। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन, फर्स्ट पॉइंट ये। राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति का एक प्रमुख अध्ययन विषय है। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक समाजीकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलती है। मतलब जो समाजीकरण होता है वो जब कोई भी मनुष्य पैदा होता है उसकी मृत्यु तक चलती है। ये व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। व्यक्ति इसके बचपन में ही विभिन्न राजनीतिक विषयों में रुचि ले लेता है और जीवन पर्यंत वह उसकी इससे जुड़ा रहता है। राजनीतिक समाजीकरण को तुलना राजनीतिक में इसकी शामिल किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण पर ही किसी राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता निर्भर करती है। प्राय विकसित देशों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके विपरीत पिछड़े व विकासशील देशों में ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। मतलब कि जो पहले के देश थे उसमें क्या होती है, बहुत तेज़ी से चलती है, लेकिन जो जो अब आने वाले हैं उसमें वो बहुत तेज़ी से चलती है, लेकिन जो पिछड़े देश जो मतलब पहले थे उसमें क्या हो गई थी, इसकी संख्या धीमी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, सेकेंड पॉइंट। राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय ये राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं तथा मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति की स्पष्ट करती है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को कितना महत्व देते हैं। वास्तव में किसी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता राजनीतिक संस्कृति पर ही निर्भर करती है। मतलब कि संस्कृति कैसी है, असफल है या सफल है, ये किस पर निर्भर करती है, राजनीतिक संस्कृति पर। मतलब अगर हमारे वहाँ की राजनीतिक संस्कृति अच्छी होगी तो हमारी सफलता या असफलता का महत्व पता चलेगा। अतः तुलनात्मक राजनीति अध्ययनों में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न राज्यों के संस्थागत व्यापक विवरण, थर्ड पॉइंट। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विधानों ने विधान मंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही राजनीतिक विषय क्षेत्र माना। यद्यपि आजकल संस्थाओं के स्थान पर कार्य पद्धति और व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता, साधारणता तक माना जाता है। अंतिम निर्णय लेने के संसद की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ये शक्ति कार्यपालिका के हाथों में आ गई है। अब पहले ये शक्ति किसके हाथ में, संसद के हाथ में थी, लेकिन अब ये शक्ति किसके हाथ में आ गई है, कार्यपालिका के हाथों में। इस सरकार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक देशों की कार्यपालिका और विधानमंडलों का अध्ययन करें। अब हमें मतलब अपनी बात को अधिक समझाने के लिए क्या करना चाहिए, कार्यपालिका अधिक करनी चाहिए, विधानमंडल
अधिक बनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक विषण, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार। फोर्थ पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि वे व्यक्ति जो राजसत्ता का प्रयोग करते हैं समाज के किन वर्गों में संबंधित हैं और उनकी सत्ता का क्या आधार है। प्रत्येक राज्य में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट लोगों, एक या विशिष्ट वर्ग के हाथों में होती है। जिन देशों में स्वस्थ दलीय प्रणाली है वही शासकों की भर्ती का मुख्य स्रोत राजनीतिक दल होते हैं। आर्थिक असमानता और राजनीतिक संस्थाओं की भर्ती के ढंग का राजनीतिक हिंसा और आंतरिक कलह में गहरा संबंध है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्लेषण तथा अनुभवी खोज। फिफ्थ पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति में अनुभवी अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। इसका अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संरचनाओं की अपेक्षा इसकी क्रियाशील कार्यकर्ता अथवा तत्वों के व्यवहार का अध्ययन होता है। सिक्स पॉइंट, अब हमारा राजनीति तथा हित समूह, ये प्रकृति का लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सिक्स पॉइंट, आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में दलों का अनिवार्य है। प्राय सभी देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। राजनीतिक दल किस किस देश में पाए जाते हैं, देखिए अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में द्विदलीय प्राणी पाई जाती है। कौन सी कहाँ कहाँ द्विदलीय प्राणी है, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में। जबकि फ्रांस, इटली, नॉर्वे, भारत इत्यादि देशों में बहुदलीय प्रगति पाई जाती है। अब बहुदलीय कहाँ पाई जाती है वो देखो, बहुदलीय किसमें, फ्रांस में, इटली, नॉर्वे, भारत, इसमें कौन सी दलीय प्राणी है, बहुदलीय। और द्विदलीय अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। साम्यवादी चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम आदि में एक दलीय प्रगति विद्यमान है। अब एक दलीय कहाँ है, साम्यवादी चीन में, क्यूबा और उत्तर कोरिया और वियतनाम में। तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी राजनीतिक दलों के संगठन कार्यक्रम तथा कार्यों का अध्ययन करता है। राजनीतिक दल की ही नहीं बल्कि हित समूह भी राजनीतिक संगठन का महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब जो हित है उसका जो समूह है वो भी मजबूत पहलू है। ओके, अब हमारा क्या पॉइंट है, ये तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। अब इसके क्षेत्र कौन से गाइस वो देखो ध्यान से, क्षेत्र इसके ये रहे। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दूसरे के बीच ये पॉइंट्स गाइस हमने खुद ही इम्पोर्टेंट करके डाला है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन हमें ये लगा कि हाँ इसमें इम्पोर्टेंट होगा इसलिए हमने इसमें ऐड करा है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दूसरों के बीच राजनीतिक संस्थाओं और शासन का अध्ययन शामिल है। चुनावी व्यवहार और प्रक्रिया, पहचान, विचारधारा और संस्कृति, सार्वजनिक नीति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, सामाजिक आंदोलन और संगठनों और विरोध और क्रांति, ये सब किस में आता है, प्रमुख क्षेत्र में आता है। किसके प्रमुख क्षेत्र में आता है, तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख क्षेत्र में आता है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।